ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आवश्यक है कि सबसे पहले जीवन विज्ञान का प्रयोग अभिभावकों में चले और जो जीने के सूत्र हैं, जीने के रहस्य हैं, जीने के प्रयोग हैं, वे विद्यार्थियों में चले, शिक्षकों में चले, शिक्षा जगत में चले और परिवार में, घरों में न चले, समाज में न चले, तो दो धाराएं बन जाएगी, विरोधाभास होगा। विरोधाभास, लड़का आया स्कूल से और घर का वातावरण देखा कि माता पिता दोनों परस्पर लड़ रहे थे, सारा देखा और घंटों तक देखा, लड़ाई समाप्त नहीं हो रही है। कुछ घंटों के बाद जब वे थमे, मौन हुए, तब लड़का आकर बोला, पिताजी, माताजी, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मेरे शिक्षक ने तो ये बताया और मुझे समझाया कि देखो, लड़ना अच्छा नहीं है, लड़ाई से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कभी लड़ो मत। और यहाँ मैं देखता हूँ तो आप दोनों लड़ रहे हैं, तो मैं शिक्षक की बात मानूंगा, आपकी व्यवहार की बात मानूं। उन्होंने तो कोरा शब्दों में कहा और मैं तो व्यवहार में देख रहा हूँ, सामने एक प्रैक्टिकल हो रहा है मेरे सामने कि आप दोनों लड़ रहे हैं। तो वह जो मुझे कहता है लड़ो मत, लड़ना अच्छा नहीं, ये झूठी बात बता रहे हैं, तो वहाँ जाने से मुझे क्या लाभ है, मैं नहीं जाऊँ। यदि परिवर्तन लाना है और समाज में परिवर्तन आना चाहिए तो एक त्रिकोण बनना चाहिए। अनुव्रत का एक त्रिकोणात्मक अभियान चला था बहुत वर्षों पहले, तो उस त्रिकोण में एक कोण है अभिभावक, दूसरा कोण है शिक्षक और तीसरा कोण है विद्यार्थी। यह एक त्रिकोण बनता है और त्रिकोण बहुत शक्तिशाली होता है। त्रिकोण में अग्नि तत्व काम करता है, आग्नेय तत्व, तो वह बहुत ऊर्जा को ग्रहण करता है, बहुत शक्तिशाली होता है। अभी तो लगता है द्विकोण चल रहा है, शिक्षकों को जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, और अगर एक कोण खाली रहा तो कठिनाई भी पैदा हो जाती है, हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ेगा, प्रयोग करेगा, बदलेगा, और घर में वैसा व्यवहार नहीं मिलेगा तो उसके सामने एक बहुत समस्या पैदा हो जाएगी और एक द्वंद्व की स्थिति भी पैदा हो जाएगी, अंतर्द्वंद भी बन जाएगा कि क्या करूं, जो मैंने पढ़ा है सीखा वह करूं या जो देख रहा हूं आंखों से वह करूं। एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा होती है। हमने बहुत बार कहा था कि जीवन विज्ञान केवल शिक्षा के क्षेत्र का नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग हो रहा है, किंतु वह हर व्यक्ति के लिए है
जो जीने की कला को सीखना चाहता है कि कैसे जिया जाए, जीने की कला बहुत कठिन है, जीने की कला बहुत कठिन है और मरने की कला तो उससे भी ज़्यादा कठिन है। आदमी इस दुनिया में आता है और एक दिन चला जाता है, जाए तो कैसे जाए, कैसे आए ये तो हाथ की बात नहीं है, क्योंकि एक अबोध बच्चा जन्म लेता है उसके बस की बात नहीं है, किंतु जाए तो कैसे जाए ये उसके हाथ की बात है। कलात्मक समाधि मरण हो, पर वह कब हो सकता है कि पहले कलात्मक जीवन जिए, जीवन की कला को जाने, जीवन के रहस्यों को समझे। कितने रहस्य हैं हमारे जीवन के, हमने शिक्षा को भी एक बुद्धि की सीमा में जकड़ दिया, बौद्धिक विकास एक सीमा बना दी, तो बस इस सीमा में जो आता है वह तो शिक्षित है और इस सीमा से परे है वह अशिक्षित है। किंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जिन्होंने शिक्षा के घेरे में प्रवेश नहीं किया वे लोग दुनिया में बहुत बड़े शिक्षक बन गए, बहुत बड़े शिक्षकों के शिक्षक बन गए। तो फिर बुद्धि सीमा नहीं है, बुद्धि का एक दायरा है, उसका एक कक्ष है, वहाँ बुद्धि काम देती है, किंतु उससे परे जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे जीवन को सुखमय या दुखमय बनाने वाली बात है, वह है हमारी भावधारा, भावतंत्र। जब तक बुद्धि और भावधारा दोनों का सामंजस्य नहीं होता, दोनों में समन्वय स्थापित नहीं किया जाता, तब तक जीने का रहस्य हाथ में नहीं आता और अच्छा जीवन जीने की बात भी उसके समझ में नहीं आती। हमें बौद्धिक विकास करना है, कोई दो मत नहीं कि बौद्धिक विकास होना चाहिए, अज्ञान मिटना चाहिए, मूर्खता समाप्त होनी चाहिए, यह एक बहुत अच्छी बात है, प्रवेश है हमारा जीवन का, प्रवेश द्वार कि जहाँ बौद्धिक विकास होता है और आदमी अनेक क्षेत्रों में विकास करता है, किंतु सुख का तंत्र एक अलग है, दुख का तंत्र भी अलग है। महावीर की वाणी का एक बहुत सुंदर सूक्त है, बहु दुखाहु जंतवो, मनुष्य बहुत दुखी हैं, तब तो फिर सुख की बात ही क्यों करी, इसको सच्चाई मान लें कि मनुष्य बहुत दुखी है, किंतु साथ में एक रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि कौन से मनुष्य दुखी हैं, कि जे सत्ता कामे ही मानवा, जो कामों में आसक्त हैं, कामनाओं में आसक्त है वे मनुष्य दुखी बनते हैं, जो आसक्त नहीं है वे दुखी नहीं बनते। गीता का एक प्रमुख प्रतिपाद्य है कि एक दो शब्दों में गीता के मर्म को समझाना चाहे तो वह है अनासक्ति। अनासक्ति, सारा दुख पैदा होता है आसक्ति के कारण, पदार्थ हमें दुख नहीं देता, भोजन की सामग्री दुख नहीं देती, मकान दुख नहीं देता, पैसा भी दुख नहीं देता, उसके साथ आदमी जुड़ जाता है, आसक्ति पैदा हो जाती है, वह दुख पैदा करती है। आसक्ति नहीं है और धन चला गया तो दुख नहीं आता। मैं एक परिवार को जानता हूं, मैंने कुछ घटनाएं देखी, मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि इस आसक्ति के युग में इतना अनासक्त जीवन कैसे जिया जा रहा। उस व्यक्ति का एक कारखाना था,
कारखाने में आग लग गई, शायद करोड़ों का नुकसान हुआ। जब वह आया तो मैंने देखा कि चेहरे पर खुशी है, कोई भी गम नहीं, उसका निशान भी नहीं, कोई दुख की रेखा नहीं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा कि सुना है कि तुम्हारा ऐसा हो गया, कहाँ हुआ है तुम्हारे मन पर? के मन पर कोई नहीं है, क्यों आता है जाता है, ये तो होता रहता है, कोई खास बात नहीं। बात समाप्त हो गई। अब हम कैसे माने कि पैसा होने से कोई दुख होता है, सुख होता है, चला जाए तो दुख होता है, कुछ भी नहीं। फिर दूसरी घटना हमने देखी कि कोई 40 लाख का जेवर था, एक जगह रखा था और कोई लेकर भाग गया। फिर आया तो आश्चर्य हुआ कि जो घर का स्वामी है वह भी दुखी नहीं, किंतु जिस बहू का पुत्र वधु का वह था वह भी दुखी नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुखी नहीं है। मैंने पूछा क्या क्या होता है? ये तो होता रहता है, होता है वह चला जाता है, जिसके पास होता है वही जाता है, नहीं है तो क्या जाएगा? बात समाप्त कर देती। अब जिस व्यक्ति का करोड़ों का नुकसान हो जाए, वो चेहरे पर दुख की एक रेखा भी न आए, इसका मतलब दुख क्यों नहीं हुआ? आसक्ति नहीं है उसका उपयोग, चला गया तो चला गया। तो दूसरी ओर ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास संपत्ति तो बहुत है, पर 150 रुपया भी इधर उधर हो जाए तो नींद आराम हो जाए। ऐसे व्यक्ति से मैंने कहा एक बार, एक व्यक्ति आया और बड़ा उदास चेहरा था। मैंने पूछ लिया कि आज ऐसे कैसे? हमारे पास श्रद्धा बस आ रहा था, मैं भी नहीं जानता कौन है, वह भी नहीं, कोई नया आदमी था, पर श्रद्धा बस बहुत आते आते परिचित बहुत हो गया था। हम लोग दिल्ली में थे तो मैंने पूछा कि आज ऐसे कैसे हो? बोला कि आज मैं आ रहा था, मेरे 200 रुपये खो गए। मैंने कहा अरे क्या हुआ? कि क्या क्या हुआ? बड़ा दुख हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा भी कि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों की, 200 चले गए तो चले गए। जब बोले महाराज आप तो 200 कहते हैं, 2 रुपये खो जाए तो मैं तो नींद आराम हो जाए। अब हम क्या माने इसको? दुख कहाँ से पैदा हो रहा है? दुख पैसे से पैदा नहीं होता, पदार्थ हमें कोई दुख नहीं देता, पदार्थ पदार्थ है, आत्मा का चेतना का अपना अस्तित्व है और पदार्थ जड़ है, अचेतन है, तो उसका अपना अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है, अस्तित्व कभी टकराते नहीं, कभी किसी को दुख नहीं देते। दुख कहाँ से आ रहा है? दुख का स्रोत क्या है? दुख आसक्ति से आ रहा। जब आदमी जुड़ जाता है तब दुख होता है, जब तक नहीं जुड़ता तब तक दुख नहीं होता। ये आसक्ति है, जीवन विज्ञान का प्रयोग है, वह दुख को मिटाने का प्रयोग है, एक सुखी जीवन का निर्माण करने का प्रयोग है। उसमें यह है कि भाई बंधो मत, जुड़ो मत, अनासक्ति की चेतना को हम जागृत कर दें। अनासक्ति की चेतना कब होती है? जब सच्चाई हमारे सामने आती है। जितनी सच्चाई सामने आती है उतनी अनासक्ति बढ़ती चली जाती है। हम जीवन के सत्यों को समझने का प्रयत्न करें कि जीवन का सत्य क्या है, सत्य क्या है? सत्य यह है कि आदमी कुछ लेकर नहीं आता और कुछ लेकर नहीं जाता, यह ध्रुव सत्य है कि लेकर कुछ आया नहीं, यह सच्चाई है। और उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि लेकर कुछ जाता नहीं। एक बहुत कंजूस आदमी था, पास में पैसा बहुत था पर कभी कुछ को देता नहीं, खुद तो नहीं देता, किसी दूसरे को देता, देख लेता तो मुंह मलिन हो जाता। आदमी इकट्ठा करता है
कोई आवश्यकतावश नहीं करता, केवल संज्ञा, जिसको संज्ञा कहा गया है, एक मूर्छा, मूर्छा है, मूर्छा में उसे पता नहीं चलता कि मैं क्यों कर रहा हूं। दो शब्दों पर आप ध्यान दें, मूर्छा और जागरूकता, जागृति। एक आदमी काम करता है जागरूक होकर, एक काम करता है मूर्छा में होकर। मुझे कहने में संकोच नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वे भी मूर्छा का जीवन बहुत जीते हैं। बहुत कठिन है अगर सर्वे किया जाए कि जागृति का जीवन जीने वाले 6 अरब की दुनिया में कितने लोग हैं और मूर्छा का जीवन जीने वाले कितने लोग हैं। मूर्छा का जीवन, जहाँ हिंसा चलती है, आक्रमण होता है, एक दूसरे के सर्वस्व को हड़पा जाता है, जहाँ दूसरे को सताया जाता है, जहाँ धन को इकट्ठा किया जाता है। अगर कोई मुझे पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्छा या और उसके साथ पनपने वाली सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ बिना संकोच के कि जो व्यक्ति अनावश्यक हिंसा करता है और जो व्यक्ति अनावश्यक धन का संग्रह करता है, वह सबसे बड़ा मूर्छा का जीवन जीने वाला है। सबसे बड़ा मूर्ख कहूं तो अप्रिय लगेगा, मूर्छा है तो उससे ज्यादा खराब, पर वह अप्रिय नहीं लगती इतनी बात कि मूर्छा है। मूर्छा में कुछ पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। जैसे एक मूर्छित आदमी है और मूर्छा में कोई चेष्टा करता है उसको पता नहीं चलता, तो वैसे इतनी सघन मूर्छा है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। पुराने आचार्यों ने, जिन्होंने गहन चिंतन किया अध्यात्म की दृष्टि से और जीवन विज्ञान की दृष्टि से भी कह सकता हूं, एक गहन चिंतन किया, तो उन्होंने जो बहुत कड़ी बात लिख दी। श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम् हि देहिनम् अधिकं यो भी मन्येते स चौरे इति नास्ति। कि जितने से अपना पेट भरे उतना पर तो व्यक्ति का अधिकार है, वह उसका स्वत्व है। अधिकं यो भी मन्येते, जो उससे अधिक रखना चाहता है, लेना चाहता है, स्तेन दंडमर्हति। वह स्तेन है, चोर है, और उसे दंडित करना चाहिए, दंड देना चाहिए, दंडमर्हति, दंड देने योग्य। कितनी कड़ी बात कही है, और यह बात एक समाज व्यवस्था के लिए बहुत मननीय बात है कि जिस समाज व्यवस्था में यह होता है कि अनावश्यक संग्रह कोई व्यक्ति न करे, और किसी व्यक्ति के पास अनावश्यक संग्रह नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति इतना अनावश्यक संग्रह करता है कि 10,000 व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाते हैं। एक इतना ऊंचा पहाड़ बना दिया कि बड़े बड़े गड्ढे बन गए। तो यह मूर्छा का जीवन है, मूर्छा में ही कर सकता है ऐसा। जिसमें मूर्छा नहीं है वह व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। यह कहने में कोई शायद कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान में मूर्छा का जीवन बहुत जिया जा रहा है, जागरूकता का जीवन जीने वाले लोग बहुत कम हैं। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान का उद्देश्य है जागरूक जीवन का निर्माण, जागरूक व्यक्तित्व का निर्माण, जिसमें जागरूकता हो, जागृति के साथ कोई काम करे। एक संप्रदाय है ध्यान संप्रदाय, बौद्धों का एक संप्रदाय है जो जापान, ताइवान, चीन आदि में चलता है, कोरिया में उधर, जिसका नाम ही है जैन संप्रदाय, यानी ध्यान संप्रदाय।
ध्यान संप्रदाय का मुख्य विषय रहता है कि जागरूकता, बस जागरूकता के साथ काम करो। कोई भी काम करो जागरूकता के साथ करो। इस जागरूकता को ही प्रेक्षा ध्यान में कहा गया भावक क्रिया। भावक क्रिया, भावक क्रिया का मतलब ही जागरूकता है कि कोई भी काम करो जागरूकता के साथ करो, मूर्छा में मत करो। एक ध्यान संप्रदाय का साधक बैठा था और कुछ लोग भी बैठे थे। जो प्रमुख था, गाल पर एक मक्खी बैठ गई और उसने ऐसा किया, मक्खी उड़ गई। मक्खी तो उड़ गई, फिर उसने ऐसा किया गाल पर चांटा। तो दूसरों ने पूछा कि मक्खी तो उड़ गई, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो बोला, पहले मैंने मूर्छा में कर लिया था, अब जागरूकता के साथ कर रहा हूं। जागरूकता के साथ मक्खी को उड़ा रहा हूं। जब जागरूकता पैदा हो जाए फिर कोई अनावश्यक काम नहीं करता, न अनावश्यक भोजन करता, न अनावश्यक बोलता, न अनावश्यक सोचता और न अनावश्यक कोई प्रवृत्ति करता। ये आवश्यकता और अनावश्यकता, इन दो पर आप ध्यान दें कि जहां जहां अनावश्यक प्रवृत्ति हो रही है दुनिया में समस्या बढ़ रही है, उलझन बढ़ रही है। और जब अनावश्यक प्रवृत्ति समाप्त हो जाए समस्या भी समाप्त हो जाए। समस्या कृत है, समस्या आकाश से नहीं टपकती, वर्षा नहीं होती, न पाताल से निकलती। ये समस्या मनुष्य के द्वारा कृत होती है और वह मनुष्य जो अनावश्यक प्रवृत्ति करता है समस्या को जन्म देता है। जीवन विज्ञान एक आध्यात्मिक प्रयोग है, नैतिक चेतना को जागृत करने का प्रयोग है और उसके द्वारा ये अनावश्यकता की बात समाप्त हो जाए और ऐसी चेतना जागृत हो तो कितना अच्छा हो। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि सरकारी सर्विस में है और जिनको 10-15-20 हजार रुपया मासिक मिलता है उस पद पर, उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया व्यवस्था के नाते और शेष सारा छोड़ दिया। डॉक्टर कोठारी, जीएस कोठारी, जो जैन श्रावक थे, बड़े अनुवैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध है डीएस कोठारी। तो जहाँ तक हमने सुना जाना है ऐसा ही करते, तो बस केवल जो एक लेना होता लेते, बाकी सब छोड़ देते। और भी लोगों को देखा है। ये ऐसा क्यों होता कि आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जितना चाहिए जीवन चलाने के लिए है, फिर मैं ये भार क्यों डालूं सरकार पर और मैं क्यों लूं दूसरे का। इस प्रकार की नैतिकता की चेतना जागृत हो जाए तो मानना चाहिए जीने की कला या जीवन विज्ञान एक सार्थक प्रयत्न हो रहा है। इसलिए इस विषय में जीवन विज्ञान का अध्ययन करने वाले या जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण देने वाले सब चिंतन करें कि जीवन विज्ञान के द्वारा हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमें कहाँ जाना है। तो मैं मानता हूँ जीवन विज्ञान एक वर्तमान की दुख भरी समस्याओं का चक्र तोड़ने में बहुत सफल हो सकता है और इस दिशा में हमारा प्रयत्न निरंतर चलना चाहिए। ओम आदि। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।